स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्या पीटी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। पीछे के वीडियो में अपन ने जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के समीकरण है उनके बारे में अध्ययन किया था कि वेग का समीकरण है किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि अपन ने टॉपिक था अपना अभिक्रिया वेग और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध। अगर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक आपके समान है तो क्या करना है, और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक अगर समान नहीं है तो क्या करना है। तो समान है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान नहीं हो सभी अगर अभिकारक और उत्पाद की स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं हो तो क्या किया जाता है, जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है उसका क्या दे दिया जाता है, उनमें भाग दे दिया जाता है। फिर अपन जानते हैं अभिकारक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है और क्या बनता है, उत्पाद बनता है। यानी कि अभिकारक के टूटने की दर बराबर होती है उत्पाद के बनने की दर। इसलिए जितने भी अपन ने अभिक्रिया वेग समीकरण लिखे उन सब में अपन ने जो भी आपकी सांद्रता में परिवर्तन परिवर्तन में लिया गया समय, वो सारे के सारे अभिक्रिया वेग में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, उनसे संबंधित है आपके न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित, तो उन पे आते हैं। अपना जो है पहला न्यूमेरिकल दे रखा है कि प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन। अपघटन का मतलब क्या हो रहा है, अपघटन बोल दो, विघटन बोल दो, या टूटना बोल दो। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि प्लेटिनम की कोई सतह उस पर अमोनिया का अपघटन है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो आपके लिए ये सब नया, इसी पार्ट में आपका अगले वाला जो है एक टॉपिक आपका छोड़ करके वहां पर आएगा, जो है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं जो कि कोटि के आधार पर रहते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको कहा जाता है। यानी कि कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हैं तो उनमें, या जिसको बोला जाता है कोटि, तो वो अपन है कोटि जो टॉपिक आएगा इसी पार्ट में आएगा आपका, और इंपॉर्टेंट भी है जिससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में एक बार आपको यहाँ पर बोल देना है क्या ध्यान रखना है, उस चीज को कंसेप्ट को आपको देखना है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब है तो ये अभिक्रिया, लेकिन उस अभिक्रिया में ये एक प्रकार हो गया, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है N2 एवं H2 के उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है, बनने की दर। तो ये पूछ रहा है कि NH3 का तो अपघटन हो रहा है, अभिक्रिया कौन से प्रकार की है, शून्य कोटि, यानी कि ये अभिक्रिया ही है लेकिन अभिक्रिया में क्या दे दिया, एक प्रकार दे दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान है 2.5×10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो ये क्या के क्या होता है, ये अभिक्रिया वेग नियतांक इसको बोलते हैं, या अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अब ये के क्यों लिया यहाँ पर, हालांकि आपको टॉपिक में ये चीज करवाई नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें आपके आगे आएगी। तो अपन क्या देखते हैं, जब अपन ने कोटि अभिक्रिया का प्रकार अपन ने ले लिया शून्य कोटि, तो जैसी अभिक्रिया का प्रकार आ जाता है फिर अब अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग के का मान है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। एक अभिक्रिया वेग के लिए अभिक्रिया वेग तो समीकरण कैसे लिखा जाता है वो तो अपन ने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर उस अभिक्रिया में वापिस प्रकार दे दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो उस स्थिति में अभिक्रिया वेग है वो क्या, किस नाम से जाना जाता है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। फिर शून्य कोटि की भी होती है, प्रथम कोटि के लिए भी होगी, द्वितीय कोटि के लिए भी होगी, वो अभिक्रियाओं का प्रकार हो गया, उस प्रकार के आधार पर फिर अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग है उसको अपन किससे दर्शा देते हैं, कैसे, जो कि अभिक्रिया वेग स्थिरांक होता है उस अभिक्रिया के जो है आपके प्रकार के लिए। अब देखो क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका मात्रक है, देखो यहाँ पर ये हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक अलग आएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक आपका क्या आएगा, अलग आएगा। वो अलग कैसे आता है, एकदम इजी सा टॉपिक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, जैसे ही अपना टॉपिक आएगा वहां पर आपका समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको अपन हल करना शुरू करते हैं, कहने का मतलब क्या है, ये अभिक्रिया वेग का ही मान है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, यानी कि ये जो मान आपका दे रखा है न्यूमेरिकली आंकिक रूप से मान दे रखा है किसका, अभिक्रिया वेग का, यानी कि के स्थिरांक, लेकिन वो अभिक्रिया वेग किसके लिए है, शून्य कोटि अभिक्रिया, इसलिए यहां पर क्या बोल दिया, के बोल दिया, अभिक्रिया वेग स्थिरांक इसको कहा जाता है। अब देखो अपना कंसेप्ट तो वही रखना है कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन, और अपन जानते हैं अमोनिया का अपघटन है कुछ इस प्रकार से होता है, 2NH3 से N2+3H2। क्यों, अमोनिया का विघटन हो रहा है, यानी कि अमोनिया क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो 2NH3 से N2+3H2। तो आपने क्या किया, ये अमोनिया था, अमोनिया अपघटित हो रहा है, अपघटित होकर के क्या बना रहा है, N2 प्लस क्या बना रहा है, 3H2। तो वही तरीका रहेगा, इसके लिए अपन अभिक्रिया वेग का समीकरण लिखते हैं, अभिक्रिया वेग,
अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, पहले वो तरीका लिखना है जो आपको बताया था, बनने की दर, टूटने की दर। तो अपन देखते हैं अभिकारक है, अभिकारक आपका क्या होता है, अभिकारक है वो टूटता है, उत्पाद क्या बनता है। तो अपन क्या देखते हैं यहां पर, अभिकारक है ये टूटेगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, एक बट्टा दो। क्यों, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहां पर आता है आपका, भाग में आ जाता है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा देते हैं, एक बट्टा दो एनएस थ्री के विघटन की दर, NH3 के विघटन की क्या होगी, दर होगी। ये बराबर होगी किसके, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, फिर आगे अपन उसको हल करेंगे, एक बट्टा दो NH3 के विघटन की दर, अभिक्रिया वेग का बराबर, उत्पाद जो अभिकारक है उसके विघटन की दर बराबर होगी उत्पाद के बनने की दर। उत्पाद कौन सा है, N2, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, N2 के उत्पादन की दर, उत्पादन की दर, उत्पादन दे रखा है आपका। अपघटन की दर अपन ने यहां पर दे रही, क्यों, NH3 का क्या हो रहा है अपघटन, NH3 का अभी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, अब ये देखो अभिक्रिया दे नहीं रखी है, लेकिन आप जानते हो कि अमोनिया का अपघटन है, इस प्रकार से आते जो है होता है, ये 11th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी ये अभिक्रिया आपको याद आती है, तो ये आपको कांसेप्ट वाइज पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज है। अब इसके बराबर होगी N2 के उत्पादन की दर, अब N2 के आगे देखो कोई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं है, तो सिर्फ ये रह जाएगा, ये बराबर होगी किसके, H2 भी अपना क्या है, उत्पाद है, उत्पाद के बनने की क्या होगी, दर होगी, तो आपका H2, लेकिन H2 का आगे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, तीन, तो ये आपका किस में आ जाएगा, भाग लगा देंगे इसका, तो एक बट्टा तीन एच टू के उत्पादन की दर, एच टू के उत्पादन की दर। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस अभिक्रिया वेग है, अब इसको समीकरण के रूप में भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिखेंगे, ये एनएस थ्री है उत्पाद है, उत्पाद की क्या होती है, घटती सांद्रता होती है, और घटती सांद्रता के लिए किस कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव चिन्ह का अपन प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक बट्टा दो, माइनस का एक बट्टा दो डी एनएच थ्री, डी एनएच थ्री अपॉन का क्या हो जाएगा, डी टी। ये बराबर होगा किसके, आपका N2 है, इसकी ये उत्पाद है, उत्पाद की बढ़ती सांद्रता होती है, तो कोई माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, सीधा अपने यहां पर क्या लिख दिया, डी एन टू अपॉन का dt बराबर, ये भी आपका क्या है, उत्पाद है, तो इसमें भी क्या होगा, उत्पाद की बढ़ती सांद्रता होती है, माइनस चिन्ह लगाने की अपने कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, डी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है इसके आगे, तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा तीन डी एच टू अपॉन का dt। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अपने पास में जो है ये दोनों तो प्लस में हो गए और ये आपका क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब अभिक्रिया वेग जो कि मैंने बताया था, ये अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करता है, हालांकि इसको अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहा जाता है, ये अभिक्रिया वेग स्थिरांक क्यों कहा, अपने को अभिक्रिया का प्रकार दे दिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब ये शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, ये आपका टॉपिक आएगा, वहां पर जब टॉपिक आएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि अभिक्रिया का वेग होता है, वो अभिक्रिया वेग अलग अलग अभिक्रिया देती है, तो उसको अभिक्रिया वेग स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इस के का मान उस अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर, आपका मात्रक के आधार पर अलग अलग हो सकता है। अब यहां तक तो ये चीज आपको पीछे की वीडियो में जो है बता रखी है, अभिक्रिया वेग समीकरण लिखने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन देखते हैं अभिक्रिया वेग, इन सब का मान है वो आपका अभिक्रिया वेग के बराबर होगा, और अभिक्रिया वेग स्थिरांक या k का मान आपको प्रश्न में दे रखा है कितना है, 2.5 इंटू 10 की घात माइनस का 4। इसका मतलब है इन सब का मान है, अभिक्रिया वेग का मान आपका कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये अपन अवेल करते हैं, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की घात 4 मोल लीटर इनवर्स, मात्रक को जरूर ध्यान रखना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो गया अभिक्रिया वेग का मान। अब देखो अभिक्रिया वेग का मान ये है, इसका मतलब ये 2.5 है, इन सब के क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा, क्यों, अभिक्रिया वेग का मान ये है और इस अभिक्रिया वेग यहां पर अपन रखेंगे, तो ये 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स इन सब के क्या हो जाएगा, इन सब के क्या हो जाएगा आपका
बराबर हो जाएगा। अब देखो अपने को प्रश्न में क्या पूछा है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, यानी कि ये आपका N2 और H2 यानी कि NH3 के जो है अपने को विघटन की दर नहीं पूछी, अगर पूछता है तो वो भी अपन याद कर सकते हैं। अपने को क्या पूछा है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं अभिक्रिया वेग के बराबर ये सारे होते हैं, अभिक्रिया वेग का मान ये है, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं अभिक्रिया वेग का मान, ठीक है, मात्रक लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लगा सकते हैं। अभिक्रिया वेग का मान ये हो गया, अभिक्रिया वेग के बराबर ये सारे होते हैं। अपने को पूछा है N2 और H2 के उत्पादन की दर, तो देखो N2 तो वो सीधा ही दे रखा है, लेकिन H2 का आगे क्या है, एक बटा तीन। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, N2 यानी कि पहले ये जानना ये सारे बराबर होंगे, जिसकी ज्ञात करनी है उसको बराबर रख दो, डी एन टू अपॉन का डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा तीन डी एच टू अपॉन का डी। यहां से ये क्यों, अभिक्रिया वेग के बराबर ये सारे होते हैं, अभिक्रिया वेग का मान आपका ये दे रखा है, तो इसके बराबर ये सारे हो रहे हैं। अब अपने को देखो N2 के उत्पादन की दर ज्ञात करनी है, तो N2 के जो भी उत्पादन की दर होगी वो किसके बराबर होगी, अभिक्रिया वेग के बराबर होगी। क्यों, N2 के उत्पादन की दर किसके बराबर होगी, अभिक्रिया वेग के बराबर होगी, अभिक्रिया वेग का मान आपका यहां पर दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, N2 के उत्पादन की दर बराबर होगी किसके, अभिक्रिया वेग के, जो है आपके बराबर होती है। तो N2 के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर बराबर होगी किसके, अभिक्रिया वेग, तो ये सीधा ही रहेगा N2 के जो है उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर अपन देखते हैं यही है आपके N2 के उत्पादन की दर, N2 का उत्पादन अभिक्रिया वेग dN2 upon dt बराबर होगा अभिक्रिया वेग। क्यों, आगे कोई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब N2 के उत्पादन की दर यही आ जाएगी कितनी, 2.5 into 10 की घात माइनस का 4, और मात्रक लगा देंगे आप आगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, यहां पर H2 के उत्पादन की दर, N2 क्या थी, H2 के उत्पादन की दर, तो देखो H2 क्या है, एक बटा तीन जो है आपका H2 के उत्पादन की, तो यहां से भी ले सकते हो, इस जगह से भी ले सकते हो, यानी कि अभिक्रिया वेग बराबर होगा, अभिक्रिया वेग बराबर होगा एक बटा तीन एच टू के उत्पादन की दर। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, अभिक्रिया वेग बराबर होगा एक बट्टा तीन H2 के उत्पादन की दर, H2 के उत्पादन की दर। अब देखो आपको क्या देखना है, H2 के उत्पादन की दर ज्ञात करनी है, N2 तो अपने ज्ञात कर लिया, क्यों, N2 के उत्पादन की दर तो सीधी किसके बराबर है, अभिक्रिया वेग के बराबर, H2 के उत्पादन की दर ज्ञात करनी है, तो अपन जानते हैं अभिक्रिया वेग बराबर एक बटा तीन H2 के उत्पादन की दर, तो अभिक्रिया वेग का मान कितना है, 2.5 into 10 की घात माइनस का 4 बराबर क्या होगा, एक बटा तीन H2 के उत्पादन की दर। अपने को क्या ज्ञात करना है, सिर्फ H2 के उत्पादन की दर, क्यों, अपने को ये पूछा है H2 के उत्पादन की दर, तो H2 के उत्पादन की दर ज्ञात करना है, तो ये तीन आपका यहां पर कहां पर आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तीन इंटू कितना हो जाएगा आपका, 2.5 हो जाएगा। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं, H2 के उत्पादन की दर बराबर, H2 के उत्पादन की दर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 × 2.5 × 10 की घात माइनस का 4। अब देखो तीन को अपन क्या करते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 7.5 × 10 की घात माइनस का 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल है आपके यहाँ पर अपन हल कर सकते हैं। तो देखो मेन चीज क्या थी, ये लैंग्वेज है आपको यहाँ पर आनी चाहिए, अभिक्रिया वेग का समीकरण है, इस प्रकार से ज्ञात करना है अभिक्रिया वेग। देखो यहाँ पर शून्य कोटि एक अलग शब्द आ गया, ठीक है, ये शून्य कोटि क्या है, उस अभिक्रिया का प्रकार हो गया, उसके लिए अपन ने के अपन यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये के होगा जो है, इसका मान अलग अलग हो जाएगा अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर, देखेंगे वो कैसे होता है, जब कोटि का अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपका
क्लियर हो जाएगा। मेन तरीका था आपका, उसमें कोई देखो फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि अभिक्रिया वेग ही मान लिया अपन ने के क्यों शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो उसके लिए वेग स्थिरांक हो जाएगा। अभिक्रिया वेग का मान आपको दे रखा है, फिर ये सारी चीजें ऐसे लैंग्वेज लिखोगे, ये अभिक्रिया वेग समीकरण हो गया, फिर उसके आधार पर ये अपन सारी चीजें यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंप्लीट। अब आते हैं अपन सेकेंड न्यूमेरिकल, इसको मिटा रहा हूं। देखो सेकेंड न्यूमेरिकल जो है आपका वो दे रखा है x2 प्लस 3y2 से 2xy3 में y2 के अपघटन की दर है वो ज्ञात करनी है, तथा अभिक्रिया वेग का समीकरण है अपने को ज्ञात करना है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका होमवर्क के लिए, ये आपको जो है क्या करना है, इसका क्या आंसर होगा हल करके, और आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दे रखे हैं वहां पर इसका स्क्रीनशॉट है या इसकी जो आपकी फोटो है वो आपका आंसर करके इसकी जो आंसर आपको देना है। प्रत्येक स्टूडेंट इसको हल करेगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप वहां पर डाउट लिख के बोल सकते हो कि मेरे को ये समझ नहीं आया, कल के वीडियो क्लास में इसको दोबारा से करवा दिया जाएगा। अब देखो x2 प्लस 3y2 से 2xy3 में y2 के अपघटन की दर है ज्ञात करनी है, और अभिक्रिया वेग का क्या लिखना है, समीकरण है अपने को लिखना है। तो पहले अपन अभिक्रिया वेग का समीकरण लिखते हैं, समीकरण के आधार पर अपघटन की दर अपन लिख सकते हैं, क्यों अभिक्रिया किस प्रकार से अपघटित हुई ये चीज अपन जो है देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो आपके क्या हो गए अभिकारक, और ये क्या हो गया आपका उत्पाद। तो अभिकारक टूटेगा तो अभी इसी पूछ रहा है वाई टू के अपघटन की दर है वो अपने को यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले अभिक्रिया वेग समीकरण लिखता है, सीधा मैं समीकरण लिख रहा हूं, तो अभिक्रिया वेग समीकरण देखो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर अपन क्या लिखेंगे माइनस का डी एक्स टू अपॉन का क्या हो जाएगा डीटी। अभिक्रिया वेग बराबर माइनस का डी एक्स टू अपॉन का क्या हो जाएगा डीटी, बराबर होगा किसके, माइनस का एक बटा तीन डी, या इस माइनस को अपन यहां पर लिख सकते हैं या आगे ले कोई दिक्कत नहीं, माइनस का एक बटा तीन डी वाई टू अपॉन का क्या हो जाएगा डीटी। क्यों, जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो आपका कहां पर आ गया, भागना आ गया। ये तो आपका क्या हो गया अभिकारक है, तो अभिकारक टूटता है इसलिए चिन्ह किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया, बराबर होगा किसके एक बट्टा दो, और क्या हो जाएगा डी एक्स वाई थ्री अपॉन का क्या हो गया डीटी। क्यों, टू एक्स वाई थ्री आपका क्या है उत्पाद, उत्पाद के बनने की तरह होती इसलिए वो धनात्मक होगी, तो यहां पर प्लस का चिन्ह देगा। अब देखो ये तो हो गया आपका क्या अभिक्रिया वेग का समीकरण हो गया, या अभिक्रिया वेग हो गया, इस अभिक्रिया का क्या हो गया वेग हो गया, यानी कि ये जो अभिक्रिया दे रखी है इस अभिक्रिया का क्या हो गया ये वेग हो गया, यानी कि आपकी अभिक्रिया है इस वेग से चलती है। अब अपन देखते हैं इसमें ये पूछ रहा है वाई टू के अपघटन की दर है वो अपने को ज्ञात करने, तो अपन जानते हैं अभिक्रिया वेग के समीकरण में ये सारे संबंध होते हैं, तो वाई टू के अपघटन की दर है वो ज्ञात करनी, यानी कि ये तो एक बटा तीन जो है y2 d y2 अपॉन का dt है, अपने को सिर्फ किसकी पूछ रहा है y2 की पूछ रहा है, तो अभिक्रिया वेग है वो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी आपके क्या है बराबर है, तो अपन किसी एक के इसको क्या मान लेते हैं बराबर है आपका मान लेते हैं। तो अपन जानते हैं ये आपका अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, अभिकारक बराबर है किसके उत्पाद, यानी कि इसके अपघटन की दर है, यानी कि ये आपका क्या है वाई टू क्या है अभिकारक है, अभिकारक के टूटने की दर या अपघटन की दर बराबर किसके होती है उत्पाद के बनने की दर, इसका मतलब वाई टू के जो अपघटन की दर है किसके बराबर होगी एक्स वाई थ्री के बनने की दर के बराबर होगी, यानी कि इन दोनों में अपन समीकरण दर्शा देते हैं। तो अपन जानते हैं अभिक्रिया वेग इसके बराबर होगा, तो अपने को ये ज्ञात करनी है डी वाई टू, तो पहले अपन ये लिखते हैं माइनस का एक बटा तीन डी वाई टू अपॉन का क्या हो गया डी टी, अभिक्रिया वेग बराबर, ये बराबर होगा किसके एक बट्टा दो डी, क्यों ये सारे आपस में बराबर हैं, तो ये बराबर होगा एक बट्टा दो डी एक्स वाई थ्री अपॉन का क्या हो गया डी टी, क्यों सारा आपस में क्या है बराबर है, ये एक बटा माइनस एक बटा तीन है ये, यानी कि इसके अभिकारक के टूटने की दर उत्पाद के बनने की दर के क्या होगा बराबर होगा, यही चीज ये अभिक्रिया वेग बोल रहा है। अपने को तो y2 के अपघटन की दर चाहिए, जबकि यहाँ पर तो एक बटा तीन है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के रूप में भाग में आ गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, तो हटाते समय आपका क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, ये आपका जो है क्या बचाएगा डी
y2 अपॉन का क्या हो जाएगा dt, माइनस का चिन्ह यही रहने देते हैं, क्यों, इसके अपघटन की दर है, तो माइनस का चिन्ह तो आपका यहाँ पर रहता ही है, वो न्यूमेरिकली अपन जब ज्ञात करते हैं तो माइनस के चिन्ह से न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकली वैल्यू अपने को यहाँ पर कोई नहीं दे रखी, अपने को सिर्फ समीकरण है वो पता करना है। तो क्या हो जाएगा dy2 अपॉन का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो अपन इस प्रकार से क्या देखते हैं, ये जो आपका तीन है वह गुणा होकर के इस तरफ आ जाएगा आपका, यानी कि इधर भाग में है तो इस तरफ आकर के किस में आ जाएगा आपका यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तीन बट्टा दो डी एक्स वाई थ्री अपॉन का dt, ये हो जाएगा इसका। इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो मान आएगी वो तीन बट्टा दो जो डी एक्स वाई थ्री अपॉन का dt के क्या होगी बराबर होगी, इसके तो सीधे ही बराबर है, x2 के लिए सीधे ही बराबर हो गया, लेकिन इसमें स्टोइकोमेट्रिक गुणांक आ गया, तो इसलिए ये तीन बटा दो, यानी कि एक बटा तीन और एक बटा दो इस प्रकार से आपस में बराबर है, लेकिन अपने को सिर्फ ये चाहिए, तो ये तीन आपका यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके इस टॉपिक से संबंधित है, अपन ने जो भी संभावित न्यूमेरिकल बने हैं वो किए, साथ ही अगर जो है बीच में और कहीं पर भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां पर भी और जो है न्यूमेरिकल है अंकी प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे, साथ में ही आपको जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको बता दिया है N2O5 से 2NO2 प्लस 1 बटा 2 O2 है, तो इसमें N2O5 अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया उत्पाद हो गया, तो अभिकारक है वो टूट रहा है, तो टूटने की दर आप यहाँ पर दे दी, यानी कि पहला न्यूमेरिकल किया आपका एज इट इज वैसा का वैसा है, सिर्फ फर्क आपका यहाँ पर आ गया, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभिक्रिया वेग समीकरण लिखना है, सबके मान आपको यहाँ पर बराबर में दे रखे हैं, इनका ध्यान रखना है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कौन ऊपर हो रहा है कौन नीचे हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा या कौन जो है आपका भाग में रहेगा, उसके आधार पर इसकी जो है आंसर बताना है NO2 के बनने की दर और O2 के बनने की दर। अब इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।